यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं करौली सरकार के नाम से जाने जाने वाले बाबा की हैं। भूत प्रेत सब नाटक है, कुछ भी नहीं, सब खोखला है। अच्छी बात है। देखो जादूगरनी दिख रही है, चुड़ैल दिख रही है। अभी ये जादुई चुड़ैल जो पीछे खड़ी, इसको कूट कूट के मारो पहले। इनका दावा है जो काम भारत की फोरेंसिक टीम ना कर पाए वह काम करके दिखा देता है। उत्तर प्रदेश का यह बाबा, हत्या हुई कैसे हुई, प्राण आधे गए या पूरे गए, इनकी हत्या हुई है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। तकिया ऐसे रख करके इनके दबाया गया है तकिया से। इतना कुछ बता देने में माहिर है यह बाबा, जो एम्स और पीजीआई भी ना कर पाए उससे भी ज्यादा तेज और ज्यादा करने का वादा करने का दावा करता है। उत्तर प्रदेश का यह बाबा, नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा, स्थान लवकुश आश्रम कानपुर। जब करौली पहुंचे गोविंदा बाबा ने कराया पोस्टर लगवा कर ताबड़तोड़ प्रचार। गौरतलब है कि संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा पहले किसान नेता हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा नेता बनने के लिए वोट की जरूरत होती है और बाबा बनने के लिए कुछ नहीं, तो वह बाबा बन गए। और पिछले 3 साल में ही उन्होंने बड़े बड़े कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। अब बाबा का प्रचार प्रसार भी चरम सीमा पर है। साथ ही बता दे, संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा की सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार से कम नहीं है। जिस आश्रम में यह बाबा रहता है उस आश्रम का नाम करौली सरकार कहा जाने लगा है। इस आश्रम में 2 मंदिर हैं, एक राधा रमन मिश्र का और दूसरे में कामाख्या माता विराजमान है। यह आश्रम तकरीबन 14 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 4 से 5 हजार लोग रोजाना यह उम्मीद लेकर आते हैं कि हमारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। लेकिन एक खास बात जान लीजिए, आश्रम में कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। इस आश्रम की रेट लिस्ट जान लीजिए, 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस, 100 रुपए की अर्जी, 100 रुपए की दूसरी अर्जी, 100 रुपए का बंधन चार्ज, 6200 रुपए का हवन चार्ज, मतलब कम से कम 6600 रुपए खर्च करना ही पड़ेगा। हवन किट भी आपको आश्रम में ही मिलेगी, जिसका चार्ज 3500 रुपए अलग से लगेगा। आपको बता दें, कम से कम 9 हवन करना जरूरी है, मतलब 31500 रुपए की किट आश्रम में बिकती है। इस आश्रम में महीने का ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपए का है। यह तो थी काम धंधे की बात, अब आप बाबा की यह वीडियो सुन लीजिए। इनकी हत्या हुई है, ये साधारण मृत्यु नहीं है। तकिया ऐसे रख करके इनके दबाया गया है तकिया से, हत्या हुई है इनकी। जी एक चीज और हाँ पूछूंगा। मेरे एक बड़े भैया इंजीनियर थे रेलवे में, अभी वो भगवान जी के पास हैं या कहाँ हैं कुछ नहीं पता है। उनकी पत्नी ने यानी मेरी भाभी ने, मंजली भाभी ने पक्का है उनको स्लो पॉइजन देके खत्म कर दिया। देखें आंख खोलिए, इनकी मृत्यु हुई है दम घुटने से। मृत्यु तो इनकी हो गई, शरीर तो छूट गया था, लेकिन प्राण इनके फंसे हुए थे, वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए थे। मुक्ति अब हुई है इनकी आज, और इनकी बॉडी में दिख रहा है जैसे जहर सा, काफी इस टाइप का, जैसे औषधियों का बहुत जहर है। लेकिन इनकी हत्या हुई है, दबाया गया है तकिया से, इनकी मृत्यु हुई। हाँ बाद में सब कुछ किया है इनको साथ, लेकिन पहले कर दिया, उसके बाद सारे कुछ किया है, छुरे भी चले, इनकी हत्या की गई। चलिए, संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली वाले बाबा यह तक बता देते हैं कि किसकी मृत्यु अपने आप हुई है और किसकी हत्या हुई है, और हत्या हुई तो कैसे हुई, प्राण आधे निकले या पूरे निकले हैं। अब आप सोचिए, जब भारत में ऐसे बाबा हैं, तो भारत सरकार की फोरेंसिक टीम की जरूरत क्या है। अगर सरकार चाहे तो बाबा का पूरा इस्तेमाल कर सकती है, चाहे तो सरकार ईडी की जगह बाबा से ही उपाय करा सकती है कि किसने कितना करप्शन किया है और देश का धन कहां छुपा रखा है। यह बाबा पर कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत सरकार की मदद करने की कोशिश है हमारी। GNN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।